दोस्तों ई की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है हालांकि नोटिस काफ़ी पहले जारी हुई थी लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो सीटें वैकेंट जा रही हैं अभी पिछली भर्ती जो हुई थी उसके रिकॉर्डिंग तो जो सीटें रिक्त हो रही हैं उस पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको भी कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी कि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे प्रेस्टिजियस चैनल हैं जिनको अभ्यर्थी जो है बहुत बड़ी संख्या में फॉलो भी करते हैं वे लोग लगातार आपको एक मुद्दे पर बरलाने का प्रयास कर रहे हैं और मुद्दा यही है कि जो प्रारूप नियमावली जारी हुई है यू पी टी जी टी पी के बारे में जिसमें एज लिमिट और एग्ज़ाम पैटर्न और भी कई सारे चेंजेस के बारे में बात की जा रही है उसको जो है अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है जबकि इसकी सत्यता क्या है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और इस पर डिस्कशन फिर से भी करेंगे तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं कॉल करूंगा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ई एम आर एस के बारे में यहाँ पर एक नोटिस दो मार्च को आई थी इसमें यह कहा गया था कि ई एम आर एस के द्वारा सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जिसकी संख्या लगभग दस हज़ार के आसपास थी इसके लिए सोलह सत्रह तेईस और चौबीस दिसंबर को परीक्षा करवाई गई थी और प्रिंसिपल और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को छोड़कर कर बाईस जनवरी को इसके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो अपना प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट भी जारी कर मतलब जो जारी किया गया है उसको डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसी बीच एक और भी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर लगाई गई है नोटिफिकेशन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दूसरे चरण में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और इसकी भी डेट आ चुकी है डेट्स हैं एक अप्रैल से लेकर और इसके बाद ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिस में क्या बातें लिखी गई हैं तो ये नोटिस आप लोग आप लोग देख लीजिए आपके कर कई सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ये जो नोटिस आई थी दोस्तों ये कब आई थी तो 20 मार्च को ये नोटिस पब्लिश हुई है कब 20 मार्च को तो 20 मार्च के बाद ये जो नोटिस है इसमें क्या है हालांकि 20 मार्च को बहुत देर में ये नोटिस आई थी तो लिखा गया था कि जो ई एम आर एस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ई एस एस सी दो हज़ार तेईस द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन डी वी ऑफ़ द सर्टिस्टेड कैंडिडेट्स वॉज कंडक्टेड इन फरवरी दो हज़ार चौबीस लेकिन फिर भी सम ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर एबसेंट तो कई सारे कारण थे जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट रहे तो जब फर्स्ट कॉल की गई थी फरवरी में तो उनकी जो काउंसलिंग होगी ये एक अप्रैल से लेकर पंद्रह अप्रैल के बीच में करवाई जाएगी अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो लिखा लिखा तो ये गया है कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट थे लेकिन ये बहुत बड़ी पीडीएफ है और कुल मिला इसमें देखा जाए तो चौबीस पेज हैं तो 24 पेज में, में टी के भी पोस्ट हैं पी के भी पोस्ट हैं टीचिंग नॉन टीचिंग कई सारे पद इसमें हैं और एग्जैक्टली exactly जो पूरी संख्या अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी है तो आप नीचे जाइएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं तो कुल आप देख पा रहे होंगे कि ग्यारह पद यहाँ पर फिलहाल तो सीरियल में इतने ही पद आ रहे हैं तो इतने सारे पद अभी यहाँ पर रिक्त हैं अब यहाँ पर दोस्तों जो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कि डी में शामिल हुए थे और उनका जो डॉक्यूमेंट था वो परफेक्ट नहीं पाया गया तो उनको मतलब हटा दिया गया यहाँ से और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि आए नहीं और इनके आने की संभावना भी बहुत ही कम है क्योंकि हो सकता है कि इनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो या कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हों तो ये माना जा रहा है कि इसमें से टेन परसेंट लोग वापस आ सकते हैं टेन परसेंट लोग जो हैं सेकेंड राउंड का जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें टेन परसेंट लोग आएंगे लेकिन दोस्तों इसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में यानी कि नब्बे परसेंट जो सीटें हैं वो रिक्त जा सकती हैं और इसके लिए जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा मतलब ये है कि अब डायरेक्टली थर्ड जो राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें तो मौका आपको नहीं मिलेगा लेकिन ये जो सीटें होंगी ये कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी और यानी कि एक नई भर्ती जो कि बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आपको ये सीटें मिल सकती हैं तो ये एक अच्छी खबर है कि डायरेक्टली आपको कुछ सीटें यहाँ पर विजिबल हो रही हैं शो हो रही हैं और आपको ये सीटें अगली जो भर्ती होगी उसमें देखने को मिलेंगी वैसे भी अभी भी कुल मिला के लगभग सैंतीस हज़ार के आसपास सीटें हैं जो कि अभी रिक्त हैं ई एम में तो अभी सीटों की कोई कमी नहीं है और सीटें यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ भी रही हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और हाँ सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो रही है एक अप्रैल से लेकर पंद्रह अप्रैल के बीच में तो जो भी अभ्यर्थी सेकेंड राउंड ई एम आर एस काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट डिस, करना चाहते हैं वे लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार बने रहें और डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स इसी के साथ बात करते हैं अब हम लोग उत्तर प्रदेश में टी जी टी भर्ती के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कन्फ्यूज़ होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जिनके लाखों फॉलोवर हैं मतलब अड़तालीस से लेकर पचास लाख तक फॉलोवर हैं वे लोग भी इस न्यूज़ को धड़ल्ले से चला रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि इससे बच्चों की जो मानसिकता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक बैड न्यूज़ है दूसरी बात है कि ये फेक न्यूज़ है और ये जो है सोशल मीडिया में यूं ही वायरल हो रहा है इसके बारे में जो ऑथेंटिसिटी है वो कुछ भी नहीं है इसके बावजूद जो लोग हैं वो इस न्यूज़ को बहुत तेज़ी से वायरल कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये जो प्रारूप निर्माणी जारी की गई दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो फिलहाल इसमें जो एज के बारे में बात की गई है ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था अभ्यर्थियों के लिए और बहुत सारे अभ्यर्थी तो काफ़ी परेशान भी चल रहे थे इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया था कि जो एज लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी और एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कहा गया था कि आयुषीमा सीमा जो होगी वो टीजी टी और पी में इक्कीस साल से लेकर चालीस साल के बीच में रहेगी और अगर प्रिंसिपल के लिए आप आवेदन करने वाले हैं तो एज लिमिट तीस साल से लेकर चालीस साल के बीच में होगी ये बात कही गई थी जो कि काफ़ी शॉकिंग थी हालांकि अगर हम बात करें तो चाहे टी हो या फिर चाहे पी हो इसमें जो एज लिमिट एज लिमिट होती है दोस्तों वो 21 से ले लेकर 60 साल तक होती है बल्कि कहिए कि बासठ साल तक रहती है मतलब अपर एज लिमिट तो इसमें होती ही नहीं है और यही एक बड़ी वजह होती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक अवसर रहता है कि चलो कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम शिक्षक तो बनी जाएंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि एडाव पर पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए भी एक उम्मीद रहती है कि टीचड़ी पिचड़ी वो देते रहते हैं और कभी ना कभी उनकी किस्मत भी उनका साथ दे देती है लेकिन ये न्यूज़ बहुत ढल्ले से चलाई जा रही है दूसरी बात यह है कि इसमें ये कहा गया था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा एग्ज़ाम पैटर्न में भी जो है यहाँ पर चेंजेस करने की बात की गया, की जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें जी भी पूछा जाएगा मतलब सामान्य ज्ञान और विषय जिस प्रकार एल ग्रेड का पेपर होता है उसी प्रकार के पेपर की बात यहाँ पर की जा रही थी तो ये कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे और परेशान वर्तमान में भी हैं हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जैसा कि आप जान रहे हैं कि आचार संहिता लागू भी है इस बीच कोई भी नई निर्माली जारी नहीं हो सकती है वैसे भी ये जो निर्मोली थी ये ड्राफ्ट के रूप में थी लेकिन जो आयोग के सदस्य हैं उनका ये कहना है कि इस प्रकार का कोई भी ड्राफ्ट फिलहाल तो आयोग के पास नहीं है और ना ही कोई आरोप इस प्रकार का लंबित है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि क्योंकि कंपटीशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर साल कुछ नए अभ्यर्थी भी कुछ क्या मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो लगभग दो से चार लाख नए अभ्यर्थी जो हैं वो तैयार हो जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत होनहार भी होते हैं नए नए पढ़ के आए हैं तो उनका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा होता है आप लोगों से बेटर होता है मतलब आप लोगों से मतलब जो मतलब पुराने अभ्यर्थी हैं तो उनका जो एकेडमिक होता है वो भी रेडी रहता है और प्लस वो तैयारी भी करते रहते हैं तो आपके लिए जो कंपटीशन है वो हर साल थोड़ा सा टफ तो हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बेहतर यही होगा कि आप पूरा एफर्ट लगाएं और सारा एफर्ट लगा के इसी साल आप क्रैक कर लें या जो भी वैकेंसी आपके सामने है उसको अंतिम मान के चलें ये आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं हो सकता है कि ये प्रारूप सही ना हो हो सकता है कि अगली बार ये चेंजेस लागू ही हो जाए तो यहाँ पर कुछ निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता है तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरा प्रयास करें और जो समय आप लोगों को मिलता है और जो प्रतिदिन आपका एक डेली टारगेट होता है उसको आप जरूर अचीव करें याद रखिए कि कोई भी टारगेट आप तभी अचीव कर पाएंगे जिसके लिए प्रयास आज, आज आप आज ही से शुरू कर रहे हैं मतलब कि आपको डेली कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा और वो भी मेहनत से ठीक है बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि प्रतिदिन जब एग्ज़ाम डेट नहीं डिक्लेयर हुआ हो होता उसके पहले भी चार से छः घंटे अपनी स्टडी में देते हैं तो यकीन मानिए कि आगे चल आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे तो सारी बातें यहाँ पर हैं और ये दोनों पी मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी भी ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा वहाँ से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि क्योंकि कल होली थी आज 26 तारीख है तो होली को सभी अखबार जो होते हैं वो कार्यालय बंद रहते हैं तो अखबार नहीं आते हैं तो आज कोई खास अखबार है नहीं और वैसे भी होली के दिन कोई ना तो नई नई बनेगी और ना ही कोई परिवर्तन होगा तो फ़िलहाल रिवीजन कीजिएगा पढ़िएगा और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो पूछिएगा थैंक यू प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर